आप इस मंदिर को देखिए, श्री जीरावला दादा पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर। इसको जितनी देर देखते जाएंगे, हम एक एक खम्भे को देख सकते हैं अपने आप में। ये आज हमको सौभाग्य यहाँ के ट्रस्टी के रूप में श्री किशोर जी गांधी साहब की परमिशन से हमको ये जीरावला पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर इतना अद्भुत है। और ये सिरोही का सौभाग्य, ये हमारा सौभाग्य है कि इस हमारे ज़िले में है, सिरोही ज़िले में इस तरह का मंदिर होना सिरोही के गर्व के लिए गौरव की बात है। किस तरह से एक एक हम देख सकते हैं। हम एक बात और आपको बता दें, ये 52 जिनालय है, 52 जिनालय है ये। और यहाँ वैसे 55 डेयरी, ऐसा हमको किशोर जी वैसा बता रहे थे। और हर डेयरी के अंदर भगवान विराजमान है, हर डेयरी के अंदर प्रतिमा है, भव्य अति भव। हम आज आपको जितना बताएंगे उतना कम पड़ेगा। आप एक एक गुंबद को देखें, एक एक यहाँ की कला को देखेंगे। और ये हम जब मूल मंदिर की उस जी 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 ओहो अद्भुत 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 यहाँ लगता है कभी कभी कि हमारी श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ जी भगवान यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ इधर से लेकर किशोर जी सांसें ठहर जाती है इस खूबसूरती को देखकर। ये इस सदी का ताजमहल हम इसको कह सकते हैं। यहाँ यहाँ का जिसको कहते हैं कि मुख्य गुंबद देखिए आप। हाँ हाँ अद्भुत अद्भुत है साहब, अद्भुत। ये सब कलाकार हमारे राजस्थान की हैं जी। इसमें ज़्यादातर काम हर्षद चावड़ा है, जिन्होंने जो पिंडवाड़ा में जिनका कारखाना है, नाम मतलब सिरोही जिले के ही हैं, जिसने अक्षरधाम दिल्ली का जिसने बनाया जी जी जी, ये उसी ने उसका ये जो पूरा ममती का काम किया है। अच्छा हर्षद जी चावड़ा। हाँ, और ये जो मेन शिखर है जी जी जी, इनका काम मकराना में हुआ है, मकराना से बन के आए हैं। ओहो, और फिर उसके बाद यहाँ इनको कार्विंग का काम, हमारे जो सोमपुरा है मनर भाई जी, वो इसरो में साइंटिस्ट है जी जी, उन्होंने ये सब डिजाइन किया है। उनका सारा ये माप दंड सिल्क के जो अनुरूप जो बनता है देर मंदिर जी 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 जी, जो सिल्क के वो जानकार है जी, और वो वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय है जी, बट उन्होंने ये हमारे लिए डिजाइन किया है और वो काफी उनका सुपरविजन भी बना है। मतलब यहाँ एक एक जिसको पॉइंट टू पॉइंट बात को जिस तरह से रखा है। हाँ, कार्विंग मतलब इनकी पूरी फिनिशिंग जिसको कहें जी, अभी घिसाई का काम चल रहा है, अभी घिसाई का काम हम देख रहे थे बिल्कुल। ये जो पिलर है ये सब घिसेंगे, ओह जैसे आपको देखो ये घिसा हुआ पिलर है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग आपको दिख रही है जी 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 जी, ये सारे पिलर घिसेंगे काफी, अभी इस साइड में थोड़ा घिसा है, उस साइड में बाकी है जी 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 जी। और लाइट और ऊर्जा, हमारे यहाँ मंदिरों में कभी लाइट का कोई कनेक्शन नहीं होता, बिजली का कोई संचार नहीं होता मंदिर, बिल्कुल बिल्कुल। शाम के टाइम में सब घी के दिए जलते हैं, घी के दीपक चलते हैं, दीपक से ही रोशनी होती है। हाँ हाँ, अलग से कोई लाइट अंदर हम लोग जलाते नहीं जी 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 जी, कुछ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ आपको कहीं बल्ब नहीं दिखेगा, आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, मंदिरों में न तो आपको कहीं वायरिंग दिखेगा जी, और न कभी कोई भी मंदिर में आपको कोई लोहे का एक किली भी दिखेगी। लोहा मंदिरों में यूज नहीं होता, क्योंकि लोहे की और सीमेंट की दोनों की उम्र बहुत कम होती है। ओ, और मंदिर बनते हैं हजारों वर्ष के लिए, हजारों वर्ष के लिए, तो मंदिर सदियों के लिए, सदियों के लिए। हाँ हाँ, हजारों हजारों। आपने प्राचीन मंदिर देखे होंगे तो या तो उसमें चूना यूज होगा जी, इसकी एज बहुत होती, उम्र बहुत होती है, ठीक बात है वैसा, या फिर पत्थर, और या तो शीशा, शीशा या दूसरा कोई भी मेटल, पीतल होगा, तांबा होगा, जैसे आपको ये दिख रहा है जी जी, ये तांबा होगा। हाँ हाँ हाँ, अगर उसको कहीं झूमर लटकाना है तो तांबे में लटकेगा, लोहा कहीं लोहा नहीं, ताकि ना लोहा होगा ना जंग लगेगी, ना लगेगी। चलिए, हम आज सच में धन्य हो गए कि सारे दरवाजे चांदी के हैं जी जी जी, दरवाजे दिख रहे हैं। हाँ हाँ, ओ सब चांदी के, हाँ हाँ, अद्भुत अद्भुत अद्भुत।
भाई साहब आपको हम इसके लिए तो शुभकामना भी कम रहेगा, साधुवाद भी कम रहेगा। ये है कि आपका जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य हमारे करने से कुछ नहीं होता। ये प्रभु की इच्छा, ये प्रभु इंसान के बस का काम भी नहीं है। जी 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 भाई, कोई ऐसा कहता है कि हमने किया है, हाँ, तो वो शायद वाकई में गलत फहमी पालता है। क्या बात है, ये परमात्मा के बना पॉसिबल ही नहीं है। ये अहंकार शून्य अवस्था है भाई साहब, अहंकार शून्य अवस्था है कि जब मर्जी होती है ना। जी जी जी, तब ऐसा कोई सर्जन होता है, ऐसा सर्जन होता है, बाकी सब निमित्त मात्र होते हैं और कुछ नहीं होता उनके पास, ना उनके पास बुद्धि होती है, ना उनके पास उतना पैसा होता है, लेकिन जब सब निमित्त होती निमित्त होता है। हम पूरे इस विहंगम नजारे को आपको दिखाकर आज सच में धन्य हो गए। यह महल के महल हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये महल है। आज हमारा सच में सौभाग्य रहा कि आज इस अद्भुत तीर्थ के हमको दर्शन हुए। इसकी हमने पहले कहा था कि यहाँ की जितनी बात करेंगे उतनी कम रहेगी। ये शिखर बंद मंदिर, ये विशाल क्षेत्र में फैला हुआ दूधिया संगमरमर से बना हुआ मंदिर, और यहाँ की धर्मशाला, संत निवास, सत्संग भवन, और यहाँ की सिरणवा की सुरम्य पहाड़ियों के तलहटी में बना हुआ ये मंदिर, धन्य है इनके सृजनकर्ता। और अच्छा अच्छा, तीन धर्मशालाएं यहाँ बनी हैं। मैं मेरी बात को इस बात के साथ विराम देता हूँ कि हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान तीर्थ इस देवभूमि सिरोही में है, और मैं देवनगरी के देवदर्शन सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से राजेंद्र नरू का आपको ये हमेशा प्रयास करता हूँ कि आप सिरोही के ऐसे मंदिरों को देखें, इस देवभूमि के मंदिरों को देखें और देखते रहें, दूसरों को दिखाएं। नमस्कार और प्रणाम।